भीलवाड़ा में मंगलवार रात किराने के होलसेल व्यापारी का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मृतक कांग्रेस नेता का बेटा था, दुकान बंद कर रात को घर वापस लौट रहा था, तभी राहगीरों ने कार में खून से सना शव देखकर पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें कि पुलिस को कार से दो चाकू भी बरामद हुए हैं। एसपी आदर्श सिद्धू और ग्रामीण सीओ रामचंद्र चौधरी भी मौके पे पहुंचे। आज शव का पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा। वही हत्या के विरोध में मंग रोप का बाजार व्यापारियों ने बंद रखा है। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की है। आपको बता दें कि एसपी आदर्श सिद्धू ने बताया कि मंग रोप हाल भीलवाड़ा निवासी संजय पुत्र भैरोलाल सोमनी की मंगलवार शाम देर रात हत्या कर दी गई। मृतक की कार बंगलेश्वर महादेव मंदिर के पास से मिली है, उसी के अंदर उसका शव भी था। वहीं संजय किराने की होलसेल दुकान चलाता था। मंगलवार को जब वह दुकान बंद करके घर के लिए रवाना हुआ तो उसकी दुकान पर कार्य करने वाले पूर्व कर्मचारी राहुल रैगर भी उसके साथ था, जिसे कई लोगों ने कार में देखा था और घटना के बाद से वह गायब भी है। वहीं मृतक दुकानदार से जो पैसे लेकर निकला था वह कार में सुरक्षित मिले हैं, जिसके चलते इस हत्या के पीछे रंजिश कारण सामने आ रहा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।